हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सब्जी करेले और प्याज की, और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। हमें इसको स्टफ्ड करेला बनाने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी ये कड़वा नहीं रहता है। मैंने करेले को यहाँ पर बहुत अच्छे से वॉश करके पतले पतले स्लाइसिस के रूप में कट कर लिया है। इसमें जो टाइट टाइट बीज हैं थोड़े से हम हटा देंगे, अगर आप खाना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज थोड़े से जो टाइट है वो हटा देंगे, सॉफ्ट बीज हम इसमें रहने देते हैं। और कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं होता, हमने करेले को इसको पील ऑफ भी नहीं किया है, डायरेक्ट इसको स्लाइसेस में हमने कट कर लिया है। अब इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे अच्छे से, और नमक इसमें अच्छे से मिला देंगे चारों तरफ से और रखा रहने देंगे इसको एक घंटे के लिए नमक में डाल के। तो क्या होता है, करेला हमारा जो इसका कड़वापन होता है ना हल्का सा, वो नमक डाल के रखने से निकल जाता है। देख लेते हैं, इसको एक घंटा हो गया है। अब इसको मैं अच्छे से स्क्वीज़ करूँगी इस तरीके से इसका पानी सारा निकल जाए, और करेले को हम रख लेंगे एक प्लेट पे, अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, नमक वाला पानी कड़वा पानी इसमें से निकल जाएगा और इस तरीके से हमारे ड्राई करेले आ जाएंगे हमारे पास। तो चलिए दोस्तों, इन करेलों को अब हम करेंगे फ्राई। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। इसमें मैं डालूँगी एक कच्चा आम और एक प्याज छोटी कटी हुई, और यहाँ पर दो बड़े प्याज लंबे स्लाइसेस में कटे हुए, और दो हरी मिर्च लिए हैं। कुछ भी नहीं चाहिए हमें ज़्यादा इसमें। एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लेंगे, सरसों के तेल में बनाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जो करेले हमने स्क्वीज़ किए हुए थे नमक के पानी से, तो उन करेलों को हम फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। गोल्डन फ्राई करना है, बहुत बढ़िया फ्राई करेंगे। इसमें करेले अच्छे से पक भी जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे, और फ्राई करने से क्या होता है, इसका हमारा कड़वापन एकदम से चला जाता है। ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है हमारे करेले का। ये मैं सारे करेले इस तरीके से फ्राई कर लेती हूँ दोस्तों। तब तक अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, रेड बटन पर क्लिक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, और ईजी रेसिपीज़ के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारे करेले मेरे फ्राई हो गए हैं, और ये अब मैंने अपने प्याज को भी थोड़ा सा कलर, हल्का सा कलर चेंज होने तक, सॉफ्ट होने तक हमें रोस्ट कर लेना है और इसको हमें निकाल लेना है। ये देखिए, मैं जब तक प्याज रोस्ट हो रही है एक मसाला तैयार करती हूँ सब्जी बनाने के लिए। इसमें डाला है मैंने एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये डालूँगी चाट मसाला, और ये गया हमारा धनिया पाउडर, और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो नमक हमारा निकल जाता है। इन सब चीज़ों को पानी में हम भिगोकर मसालों को रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से फूल जाएं और एक बढ़िया सा पेस्ट बन जाए। करेले की जब सब्जी बनाएंगे तो हम इस पेस्ट के साथ बनाएंगे। प्याज हमारी हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर अलग। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है और सॉफ्ट भी हुई है, अलग प्लेट पर करेले के साथ में ही हमने इसको निकाल लिया है, और बाकी का ऑयल निकाल देंगे। केवल दो चम्मच ऑयल रखेंगे, उसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, और दो बड़े चम्मच डाल देंगे हम इसमें सौंफ। सौंफ का बहुत ही अच्छा करेले में टेस्ट आता है। आपके पास अगर कलौजी है तो कलौजी डाल सकते हैं, और यहाँ डाल दिया मैंने थोड़ी सी हींग एक चुटकी। अच्छे से इसको चटकने देते हैं, सरसों को और कलौजी और ये हमने जो डाला है जीरा, सबको अच्छे से चटकने के बाद इसमें एक जो प्याज हमने काटी थी उसको भून लेते हैं। हमने ऑयल यहाँ कम लिया है क्योंकि करेले हमारे ऑलरेडी फ्राई हैं, तो अच्छे से प्याज हमारी फ्राई हो गई है। उसके बाद हम डाल देंगे वो मसाला जो हमने बनाकर रखा था, ये हमारी ग्रेवी का काम करेगा। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, कहीं हमारा मसाला जल ना जाए, और अच्छे से हम इसको रोस्ट करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना होने लगे। प्याज के साथ इस मसाले को हम भून लेते हैं, बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी जब मसालों की। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं इसमें, और इसको भूनते रहते हैं जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया एक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छा ऑयल सेपरेट होने लगा है इसमें। अब हम इसमें अपने अनियन जो हमने रोस्ट करके रखे थे और करेले, वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें इसके साथ ऐड कर देंगे, करेले को भी अब ऐड कर देते हैं, और चारों तरफ से इसको मिलाते हुए एकदम ये लटपट हो जाए मसाले में करेला और प्याज, इसको मिला देंगे बहुत बढ़िया से। अब फ्लेम कर देंगे इसका लो, और थोड़ी देर के लिए हम इसे 5 मिनट लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे ताकि करेलों में और प्याज में इसका स्वाद चला जाए जो हमने मसाला बनाया था। और इसकी जो प्याज आप देख रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है इसका मसाले के साथ और करेले के साथ। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, करेले भी और प्याज भी मिल गए हैं। अब इस स्टेप पर हम अपना ऐड करेंगे जो हमने कच्चा आम काट कर रखा था, वो कच्चे आम का बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। अगर आप कच्चे आम का सीजन नहीं है, आपके पास कच्चा आम नहीं है, तो उसकी जगह आप एक चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे ज़्यादा। ये खट्टा होता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको हम ढककर इस तरीके से पकाएंगे, चारों तरफ से सब्जी में दबा दिया है मैंने कच्चे आम को, और ऊपर से हम ढककर रख देंगे, फिर से लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अच्छे से हमारा आम पक जाएगा, कच्चा आम जो हमने डाला है इसमें। देख लेते हैं, 5 मिनट हो गई हैं, अच्छे से पक गया होगा वो उसका। ये देखिए
अच्छे से मिला देंगे, एक मिनट चलाएंगे, इसको बनकर तैयार है हमारी सब्जी। इसको आप पराठे के साथ सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो पूड़ियों के साथ लेके जा सकते हैं, रोटी के साथ चाहे जैसे सर्व कर सकते हैं, और इसको 8 दिन तक फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी, एकदम अचार जैसी बनकर तैयार होती है। ये देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, देखते ही आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। बहुत ही चटपटी खट्टी तीखी सब्जी सी बनकर तैयार है करेले की। इसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं, कहने को तो ये करेला है लेकिन इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होता है, और करेले का बहुत ही अच्छा यूज़ है, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, कोई भी इसको ट्राई कर सकता है। दोस्तों आज ही बनाइए और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी एकदम इजी स्टाइल में, और कोई न्यू रेसिपी के लिए मुझे कमेंट करिए।